नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय चालान बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा कट रहा है। इसी कड़ी में मुंबई नगर निगम ने लोकप्रिय गणेश मंडल लालबाग के राजा पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। आपको बता दें कि BMC ने लालबाग मंडल पर यह जुर्माना सड़कों पर सजावट के लिए किए गए गड्ढों को न भरने के लिए लगाया गया है। मंडल बीते 6 साल से इन गड्ढों को नहीं भरा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जुर्माना लगाया है। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी सामने आई है। स्थानीय कार्यकर्ता महेश वर्गुनलेसर ने इस मामले पर कई जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि मंडल ने 2018 में ही 953 गड्ढे किए थे। हर साल इतनी ही संख्या में गड्ढे किए जाते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी भरा नहीं जाता है। हालांकि मंडल ने अभी तक इस जुर्माने को नहीं भरा है। BMC ने नियमों के मुताबिक प्रति गड्ढे के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं लालबाग मंडल के मुताबिक उन्होंने अब तक सभी बकाए पूरी तरह भर रखा है। हालांकि इस दावे में मुंबई नगर निगम ने खारिज कर दिया है। वहीं लोकल वार्ड ऑफिस ने एक अधिकारी ने कहा है कि जुर्माना न भरने पर मंडल पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंडल के सेक्रेटरी सुधीर सालवी ने DNA से बातचीत करते हुए कहा कि BMC ने हम पर अरलकर मार्ग और KEM अस्पताल के पास गड्ढों को लेकर जुर्माना लगाया है, लेकिन हमने इसे चुनौती देते हुए स्थानीय निकाय को पत्र लिखा है। हमने बकाया भर दिया है और मैं बिल दिखाकर अपने इस दावे को साबित भी कर सकता हूं। बता दें कि मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान लालबाग के राजा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और यह दक्षिण मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। यहाँ भक्त करोड़ों का दान करके चले जाते हैं। दोस्तों, इस चालान के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।